वंस अगेन, और आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है इकरा, ICRA, जिसको मैंने जेन साहब के जेम्स हो, SPL मिड कैप हो, अलग अलग सेगमेंट्स में काफी बार रेकमेंड किया है, तो सर्टनली मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है। ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया लगता है मुझे, सबसे बढ़िया बात है, भले वो क्रिसिल हो, केयर हो, इकरा हो, सबको एक के बाद एक दिया। और देखिए बहुत कॉम्पिटिटिव सेक्टर तो है, बट प्लेयर्स बहुत कम है, एंट्री बैरियर्स आर वेरी हाई, तो इसलिए सेगमेंट बहुत बढ़िया लगता है। और मूडीज का पार्टनर है, पेरेंटेज है, सो ओवरऑल इकरा लिमिटेड की सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स भी बढ़िया, और जो सेगमेंट है क्रेडिट रेटिंग, वहां से अच्छी रेवेन्यूज आती है, और प्लस नॉलेज सर्विसेज में है, मार्केट सर्विसेज में है, कंसल्टेंसी में है, ये सब का आ रहा है। और ओवरऑल जो ग्रोथ इकोनॉमी में है, अगर डेट सेगमेंट में ग्रोथ आती है, तो इन सब का बेनिफिट इकरा को मिलता है। तो मुझे लगता है कि 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15-16% का रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट की अगर 12-13%, एक जीरो डेट कंपनी लाजमी है, ही है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो बढ़िया लग रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, इनफैक्ट इस बार हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन था इनका, हालांकि एक अदर इनकम का फैक्टर भी रहता, बट स्टिल 22 करोड़ का जून में 2022 करोड़ का पैट था, उसके सामने 41 करोड़ का पैट, जो कि हाईएस्ट एवर है। सो 156 करोड़ के TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर पैट पे कंपनी बैठी हुई है, और प्रमोटर्स की 51-52% के अलावा सर्टेनली FIIs DIIs का पूरा भरोसा है, इनफैक्ट उनका करीब 31-32% के लगभग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी कम है, 9-10% के नीचे है, 10% के नीचे। सो ओवरऑल आई फील ये स्टॉक इन लेवल्स पे लिया जाना चाहिए, और जो टारगेट्स है वो है 64.50 से लेकर 65.30। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त।